एचपी और डेल के लैपटॉप्स। एक चीज मैंने पर्सनली नोट की है कि लोग इन दोनों ब्रांड्स पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। अब इन दोनों ब्रांड्स के नॉर्मल लैपटॉप्स तो हमने बहुत सारे रिव्यू करे हैं, लेकिन आज मैं करने वाला हूँ एक गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू, और ये है एचपी विक्टस। वैसे डेल का G15 भी हमारे पास है, इसको भी हम पिछले काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका डिटेल रिव्यू भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि क्या आप इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन भी देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा वैसे, लेकिन उसके लिए मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। एचपी विक्टस के इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक लैपटॉप, चार्जर, पावर केबल और कुछ डॉक्यूमेंट्स। और ये एचपी वाले आज की तारीख में भी अपने लैपटॉप्स को इस अंडे की ट्रे के अंदर पैक करके देते हैं। एक बात तो है, वैसे बॉडी और कीबोर्ड दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन हैंड फील देते हैं, और फ्लेक्स भी आपको ना के बराबर दिखेगा। कीबोर्ड फुल साइज़ है और सिंगल बैकलिट है, मतलब आज भी एचपी वालों का वो ओल्ड स्कूल बॉय टाइप का फील देने का इरादा है। गेमिंग वालों ने आरजीबी लाइटिंग लगा लगा के अपना स्टूडियो भर दिया, और यहाँ एचपी वाले कीबोर्ड के अंदर आज भी कंजूसी करके बैठे हुए हैं। ट्रैकपैड का साइज काफी बड़ा है, क्लिकेबल है, और मल्टी जेस्चर टच सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी एक्यूरेट है। अब सो बात की एक बात ये है कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को मिलती है और हैवी टास्क के अंदर थर्मल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्प्ले के बारे में मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। और ये परफॉर्मेंस से पहले बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और एक चीज यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो वो आइडल एक्सपेक्ट रेशियो है, जिसको दिमाग में रखकर जो डेवलपर्स हैं वो गेम डेवलप करते हैं। सो ओवरऑल काफी अच्छा डिस्प्ले है, आपको निराश नहीं करेगा, एक्सपीरियंस मेरा काफी सही रहा। लेकिन ये जो लिड का वोबल है, क्या यार एचपी। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक फुल साइज कार्डेड का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, थैंक यू एचपी फॉर दैट। इसके साथ ही 3.5 mm का जैक, उसके बाद एक टाइप सी का पोर्ट जहां पर आपको डिस्प्ले आउटपुट भी देखने को मिल जाएगी, फिर एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट। वैसे आपको राइट हैंड साइड पर भी दो सुपर स्पीड यूएसबी टाइप ए के पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि 5 Gbps तक को सपोर्ट करते हैं। एक फुल साइज HDMI पोर्ट, RJ45 का कनेक्टर, और उसके साथ आपको पावर पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्ट्स की आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है, भर भर के पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं एचपी विक्टस के अंदर। यहाँ तक कि जो यूएसबी पोर्ट है वहां पर आपको पावर यूएसबी चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये लैपटॉप आता है इंटेल के कोर i7 प्रोसेसर के साथ, और ये एक 11 जनरेशन का प्रोसेसर है। 16 GB की हाई स्पीड की रैम आपको यहां पर देखने को मिलेगी, और ये ड्यूल चैनल रैम है, 512 GB की हाई स्पीड SSD भी है। NVIDIA का GeForce RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड, और भाई आज की तारीख में तो ये ग्राफिक कार्ड नहीं अफीम हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड आपको 65,000-70,000 रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी खतरनाक है, हमने इस पे बहुत सारी गेमिंग करी, GTA 5 को हमने यहाँ पर खेला, वैलोरेंट हमने यहाँ पर प्ले करा, और घंटों घंटों हमने इसके ऊपर गेम्स खेली है। गेमिंग के अंदर हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं आई, इवन आप सारी गेम्स को हाई सेटिंग्स पर भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपको हाई FPS चाहिए तो आप नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर प्ले कीजिएगा। OBS के थ्रू हमने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करी, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उस टाइम पे FPS थोड़े से डाउन हो जाते हैं, एल्स लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर और रिकॉर्डिंग के अंदर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि सारे AAA टाइटल आप बहुत ही ईजिली इस लैपटॉप के ऊपर प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने वीडियो एडिटिंग का काम किया, 4K वीडियो हमने यहाँ पर रेंडर किया है, एडिटिंग भी किया है, काफ़ी सारे लेयर्स भी लगाए हैं। इवन अगर आप 4K वीडियो को एडिट करते हैं और 4-5 लेयर्स लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको रेंडरिंग के अंदर, एडिटिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमने यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करा वो है प्रीमियर प्रो, साथ में हमने आफ्टर इफेक्ट्स को भी इस्तेमाल करा, Lightroom सॉफ्टवेयर को भी हमने इस्तेमाल करा, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, ऑटोकैड, ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर सुपर स्मूथ काम करने वाले हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छी बात ये रही कि लैपटॉप के थर्मल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, घंटों घंटों अगर आप इस लैपटॉप पे काम करते हैं तब भी हमें इशू यहाँ पर कोई हीटिंग का देखने को नहीं मिला, लेकिन घंटों घंटों आप इस लैपटॉप पे बैटरी बैकअप पे काम नहीं कर सकते। कंपनी ये क्लेम करती है कि 6-7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, हमने जितना इस्तेमाल करा 2-2.5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और उस पर भी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब गेमिंग कर रहे हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पर अगर आपको पूरी परफॉर्मेंस चाहिए तो चार्जिंग पर लगा कर ही लैपटॉप को इस्तेमाल कीजिएगा। बैटरी बैकअप इसका मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद आया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे का बैटरी बैकअप है बहुत। अगर आप ब्राइटनेस को कम करके रखते हो,
बहुत ही आइडल कंडीशन के अंदर यूज करते हो ना, तब कहीं जाकर आपको 4 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बाकी अच्छी बात यह है कि 200 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। वेट की अगर मैं बात करूं तो ये लैपटॉप 2478 ग्राम का है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ लैपटॉप के वेट को काउंट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो भी बंदा ये लैपटॉप बाय करेगा उसको चार्जर के साथ ही घूमना पड़ेगा, तो मैं चार्जर का वेट भी इसके अंदर लगाता हूँ। तो चार्जर का वेट लगाने के बाद ये 3090 ग्राम, मतलब 3 kg का वेट जो है वो आपको लेके ट्रैवल करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। लेकिन एक बात डेफिनेटली बहुत अच्छी यार, क्योंकि स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं या फिर गेमिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी जिन लोगों को बेंचमार्क स्कोर्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बेंचमार्क टेस्ट भी किए हैं, उन सब के रिजल्ट्स भी मैं आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल सकती है। बाकी वेबकैम की अगर बात करूँ तो 720p का वेबकैम है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके थ्रू आप स्ट्रीमिंग वगैरह करिए गेमिंग के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन मीटिंग है या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, देन डेफिनेटली ये आपके ठीक ठाक काम आ सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, इस लैपटॉप को मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमने वेबसाइट भी एक बनाई थी, मैं उसके बारे में मेंशन करना भूल गया, और सुपर स्मूथ हमारा काम रहा, चाहे मैंने एडिटिंग करी चाहे मैंने गेमिंग करी। अच्छी बात यह है कि HP के सर्विस सेंटर भी काफ़ी अवेलेबल है, बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका और थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 1 लाख रुपये से नीचे की प्राइस टैग पे लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। जो ग्राफिक कार्ड इसके अंदर है, उस ग्राफिक कार्ड की वैल्यू के हिसाब से अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी जेन्युइन नज़र आएगी। और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि जो लिड का वॉबल है वो बहुत ज़्यादा है। कीबोर्ड्स के अंदर RGB का इफेक्ट दिया जा सकता था, और अगर वेट थोड़ा सा और कम होता देन डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात रहती। बाकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी जाके चेकआउट अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात और कि डेल 15 गेमिंग लैपटॉप का अभी अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी इन दोनों का कंपैरिजन भी शायद लेके आने वाला हूँ। इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।